संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के नेता संजय चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वहीं इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों के जरिए उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गोली कांड हुआ, उसमें क्या कहना चाहते हैं? ये जनपद संत कबीर नगर के थाना दुथारा के दसावां गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। यहां पे दो लोग हैं, एक श्री संजय चौहान उम्र लगभग 32 वर्ष और सुरेश उम्र लगभग 26 वर्ष। इन दोनों के ऊपर दसावां गांव के ही शब्बीर नामक व्यक्ति द्वारा अपने कुछ अन्य साथियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। और इसमें असले से फायर करने की बात भी संज्ञान में आई है। सितारगंज में हेल्पिंग हैंड द सनराइज के समाज सेवियों की तरफ से निशुल्क कपड़ा बैंक कैंप चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आपके आसपास कोई भी गरीब असहाय जरूरतमंद हो जिसे कपड़ों की आवश्यकता हो, आप उसे हमारे निशुल्क कैंप पर भेजिए, हम उसे कपड़ा देंगे। हेल्पिंग हैंड द सनराइज के अध्यक्ष शान खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 सालों से लगातार गरीब असहाय लोगों की हमारी तरफ से इसी तरह से मदद की जा रही है। एनजीओ है हेल्पिंग हैंड द सनराइज, बीते 3 वर्ष हो गए हमें लगातार लगाते हुए। तो ये हमारा 25 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2031 तक लगेगा और निःशुल्क है ये। जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जिसे भी ज़रूरत है वो इस कैंप पर आएगा, जो भी कपड़े गर्म कपड़े हैं वो लेके चले जाएंगे। लक्सर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रुड़की लक्सर तिराहे पर इकट्ठा हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए मेन बाजार से होकर लोको बाजार में पहुंचकर रैली का समापन किया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है और जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र की गूंगी और बहरी सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लक्सर की, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला गया। आपको बता दें कि लगातार महंगाई को लेकर इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लक्सर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। आपको बता दें तमाम जगहों पर इसी तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। दरअसल जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए और लगातार और सामानों पर भी दाम बढ़े, उसको देखते हुए इसी तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। लक्सर में भी कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, जहां राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला गया है। आप भी जानते हैं कि ये सरकार जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से महंगाई बराबर बढ़ रही है। जो महंगाई के प्रति प्रदर्शन करते थे सिलेंडर कंधों पर रखकर, जब 350 रुपये का सिलेंडर था तो लोगों को बताते कि महंगाई ने मार लिया हमको, परंतु आज वही सिलेंडर जब 950 रुपये का हो गया है तो उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है। तेल के दाम देखिए आप, जो 65 रुपये थे आज 100 से ऊपर पहुंच गए थे, वो अब मुश्किल से 10 रुपये उसमें कम किए हैं जब ये राज्यों की सीट हार गए। मतलब ये है, जो मेरी अपनी निजी राय है और सोच है, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि हमारे बीच का जनप्रतिनिधि अगर लक्सर विधानसभा का होगा तो उसे इस इलाके का गरीब अमीर किसान मजदूर और पूरे इलाके में जानकारी होगी क्या समस्या हैं। देखो आज महंगाई के ऊपर कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया है। महंगाई प्रदेश में चरम सीमा पर है, हर आदमी बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। नौजवान बच्चा रोज़गार नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, जब है ही नहीं, छोटा ही नहीं उन्होंने, रोज़गार कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, हमारी पार्टी में कोई कलह नहीं है, ना कोई भारत भीतर का कोई ऐसा बात है ही नहीं।
चमोली के जोशीमठ नगर की समस्याओं को लेकर नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों की तरफ से बैठक की गई, जिसमें जोशीमठ में कई स्थानों पर पड़ी दरार और बिजली पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 7 फरवरी को रैणी में आई आपदा से जोशीमठ में सड़कों और लोगों के मकानों में दरार पड़ गई है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए प्रशासन को जोशीमठ उच्च स्तरीय भूमि सर्वेक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो जोशीमठ का अस्तित्व मिट जाएगा। तो यहां पर स्थानीय लोगों ने ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें, पानी, बिजली और जिन जगहों पर दरारें पड़ी हैं उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जोशीमठ क्षेत्र है, इसमें जगह जगह लोगों के घर मकान में दरार पड़ रही है, भू धसाव हो रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है और लोग उसको लेकर के परेशान हैं। उसको लेकर पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया, बयान दिया और आज जो है उसको लेकर के पूरे जोशीमठ क्षेत्र के लोगों की एक बैठक हो रही है, जिसमें आपने देखा कि बैठक में सैकड़ों लोग आए हैं और इस बात को लेकर के लोगों में बहुत चिंता है, भय है। मैं आज बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है, जो 7 फरवरी का जो रेणी गंगा से फ्लड आया था उसने जोशीमठ को पूरी तरह हिला दिया है, जो कि विष्णुप्रयाग से नीचे कटिंग हो रही है उस पानी से और ये धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। और दूसरा NTPC का जो अभी यहाँ पर टनल चल रही है, तो मेरे को लगता है कि NTPC का टनल से भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जो भूत दशा हो रहा है, जिसका गैस का कहीं पर भी अभी कोई निकासी नहीं है NTPC द्वारा। पर मिट्टी के ढेर के ऊपर ही बसा हुआ है निरंतर, इसमें लगातार इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं इसके नीचे से बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवे यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ बाईपास का निर्माण किया, यहाँ पर गतिमान है। निस्संदेह रूप से जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं इनकी वजह से जोशीमठ लगातार पूर्व से ही धसता आ रहा है। आज से 25-30 साल पहले से ही जोशीमठ धीरे धीरे धसा इसमें हो रहा है। एक हमारा नीचे विष्णु ये बद्रीनाथ मार्ग हमारा सीमा गाँव है, तो पूर्व ध्वस्त हो चुका है। उत्तरकाशी में एक बार फिर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ इस समय हरसिल घाटी में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गांव में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं उत्तरकाशी की, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार आपको बता दें बर्फ गिर रही है। लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि भारी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उससे तमाम परेशानियां यहां पर लोगों के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि गांव में काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हो चुकी है। लालकुआ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामानव स्वर्गीय जोगाराम आर्य की 100वीं जयंती पर प्रेमपुर लोज ज्ञानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जोगाराम आर्य की पत्नी स्वर्गीय सरस्वती देवी की भी जयंती समारोह मनाई गई। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन में जोगाराम आर्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो अल्मोड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस SC विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में जोगाराम आर्य के पद चिन्हों पर चलने का समय है, ताकि सभी का उद्धार हो सके। मेरे स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य जी, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी 100वीं जयंती है और क्योंकि उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए और समाज में एकता लाने के लिए और समाज में शिक्षा का प्रचार करने के लिए और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए काफ़ी काम किया है। देखिए, ये एक आज हमारे महान मानव श्री जोगाराम जी का, उनकी पत्नी सरस्वती देवी जी का और हमारे परम संदेह हमारे जो हमारे हरीश आर्य जी जो प्रधानाचार्य रहे MB डिग्री कॉलेज में, हमारे प्रेरणा स्वरूप, हमारे मार्गदर्शक, इनका एक आज जन्मदिन के साथ साथ
श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी है। ऋषिकेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने में लगी हैं, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। भले ही ऋषिकेश में मौसम ठंडा रहा हो, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने सैकड़ों बाइकों के साथ निकाली जन समर्थन रैली से मौसम में राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी है। रैली ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के छिद्दार बाला से शुरू होकर श्यामपुर IDPL होते हुए ऋषिकेश के इंद्रमणि बडोनी चौक पहुंची, जहां उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनावी मैदान में उतर कर अपनी जीत का दावा किया। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं ऋषिकेश की, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सड़कों पर दम दिखाया। सैकड़ों की संख्या में बाइक और स्कूटी नजर आई और इसके जरिए रैली निकाली गई, साथ ही विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दम भी भरा। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बाइक रैली यहां पर निकाली गई, काफ़ी संख्या में इकट्ठे लोग हुए। साथ ही आपको बता दें कि सैकड़ों बाइकों के साथ ये रैली निकाली गई और सड़कों पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना दम दिखाया, साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। रुड़की के पिरान कलिया विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नायब सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी योजनाएं लागू की वो किसी सरकार से ने नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोग उठा रहे हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो रुड़की में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें लगातार बीजेपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसी तरह के कार्यक्रम कर रखी है और इसी कड़ी में ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कोटाबाग क्षेत्र में विशाल जनसभा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता को छोड़ते हुए कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, आज नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के हमारे दर्जनों साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका भाजपा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछले वर्षों से लगातार सक्रियता रही है, वो तो कांग्रेस में शामिल हो ही रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और इसी संदर्भ में ये आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह का वातावरण है पूरे पहाड़ में, उत्तराखंड में, तराई में, भाबर में, प्रदेश की महान जनता ने मन बना लिया है और सच भी है। जो इस तरह का 4.5 साल का कार्यकाल रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है और भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। जो वायदे किए थे वो खो, महंगाई चरम सीमा पर है।
देश में धीरे धीरे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नए साल को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार डॉक्टर विनय शंकर पांडे ने नए साल 2022 COVID-19 के वायरस ओमिक्रॉन और 2022 चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ जिलाधिकारी डॉक्टर विनय शंकर पांडे जी मौजूद हैं। चुनाव 2022 विधानसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीएम साहब द्वारा अपने सब जितने भी एसडीएम हैं, एडीएम हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को देखा जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव को ओमिक्रॉन जो COVID-19 का नया वायरस आया है उसको देखते हुए चुनाव को टाला जाए। 3 दिवसीय लखनऊ में चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है, देखना होगा कि क्या निर्णय आता है। इसी बीच हमारे साथ जिलाधिकारी हरिद्वार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी किस तरह से तैयारी है। डीएम साहब, जैसे कि ये COVID-19 का नया वायरस आया है ओमिक्रॉन, इसको देखते हुए चुनाव आयोग क्या चुनाव को पीछे कर सकता है, हटा सकता है या क्या है? देखिए, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस मुख्य कार्य माननीय निर्वाचन आयोग को होता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराना। यह उसका विशेषाधिकार है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो क्या इसको COVID-19 को देखते हुए जो नया वायरस उत्तराखंड में भी आ चुका है, जिलाधिकारी द्वारा किस तरह की उसको रोकथाम के लिए तैयारी की गई है? देखिए, अभी हमने कल ही एक आदेश जारी किया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और उसमें ये शायद आप लोगों को भी मिल गया होगा और आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है। आगामी 31 तारीख तक नए वर्ष का जो लोग अपना फंक्शन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसमें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं होंगे किसी भी होटल में, लॉज में या किसी भी इस तरह के कार्यक्रमों में। रात में 10 बजे के बाद किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। दूसरा, उसमें ये भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट जरूर देखा जाए, साथ ही साथ डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनका देखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए और यदि इसका कोई उल्लंघन करता है, मास्क नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। तो क्या अब जो है, जैसे नया साल आ रहा है, इस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है? देखिए, रात्रि कर्फ्यू का मतलब होता है कि 10 बजे के बाद सड़क पे कोई दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप स्पष्ट कर दूं कि रात्रि कर्फ्यू जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल आयोजनों पर रोक है कि 10 बजे के बाद कोई आप गैदरिंग ना करें, ये है इसका पर्पस। होटलों में जैसे आप देखते हैं कि उनके जो बैंक्वेट हॉल होते हैं, वहाँ पर 200-400 लोग अपना डेक बजा कर और डांस करते हैं, ठीक है, उनकी खुशी का माहौल होता है, लेकिन ओमिक्रॉन को देखते हुए संख्या को 100 पर सीमित किया गया है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू जैसी कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल 2 रिस्ट्रिक्शन से कि 100 से ज़्यादा गैदरिंग ना करिए और सेकंड है कि रात में 10 बजे के बाद कोई आयोजन मत करिए। तो क्या चुनाव पे अभी जो ये एक वायरस है, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम लोगों की कोविड को लेकर काफ़ी तैयारियाँ व्यापक स्तर पर हैं और माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा भी जब यहाँ विजिट की गई थी तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान बात पर था कि कोविड की आपकी तैयारी कैसी है, उसका हम लोगों ने विस्तृत रूप से माननीय आयोग के संज्ञान में ला दिया था। हमारा सारा पोलिंग पार्टियों से जाना, उनका सुरक्षित लौट के आना, जो मतदाता आ रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखना, लोगों की थर्मल चेकिंग, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करना, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी हरिद्वार, जिनका साफ तौर से कहना है कि COVID-19 को देखते हुए जो नववर्ष आ रहा है उस पर 100 से ज़्यादा आदमियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है, नाइट कर्फ्यू जैसी कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई और चुनाव को लेकर ये पूरी तरह मुस्तैद हैं और जो COVID-19 का जो नया वायरस आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी पूर्ण तैयारियाँ कर ली गई हैं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।